हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स बाय सीएनएमई झांझट में। काफी समय के बाद में आज अपने को ये मौका मिला है, आज मेरे को ये मौका मिला है आप सबके सामने आने का। काफी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी, सर हमको पर्टिकुलर डाउट सॉल्व कराइए, पर्टिकुलर टॉपिक हमको आप समझाइए। तो उन्हीं टॉपिक्स को अपन आज समझेंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर्स को। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनेंस के अंदर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिस टॉपिक का नाम है सर रेशियो एनालिसिस। क्या नाम है सर? रेशियो एनालिसिस। सर रेशियो एनालिसिस तो हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, आप ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं? क्या इसमें कुछ अलग है? क्या ये रेशियो का एनालिसिस जो हम करेंगे वो कुछ अलग होने वाला है क्या जो हमने पहले पढ़े हैं? जी हाँ, बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि इस टॉपिक को हम सिर्फ रेशियो एनालिसिस नहीं बोल के हम इसको बोलेंगे सर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। क्या नाम है सर? फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सर रेशियो एनालिसिस। कोई भी टॉपिक को समझने के लिए, कोई भी लेक्चर को, कोई भी टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके बारे में समझना पड़ेगा कि हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं। Why रेशियो एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट? सर आप सभी ने ये चीज तो पढ़ी होगी 12th क्लासेज या 11th क्लासेज में कि सर हम ये बनाते थे फाइनल अकाउंट में। एक तो बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाते थे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या हम इसको बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और जो थर्ड हमारा जो था फाइनल अकाउंट का उसका नाम था सर बैलेंस शीट। हमने सर फाइनल अकाउंट के अंदर ये तीनों चीजें बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है। फाइनल अकाउंट में हमने ये तीनों चीजें बहुत अच्छी से पढ़ी है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन सर आप मुझे ये सोच के बताना, आपको ये बनाने के लिए बोला जाता था क्लास 12th में या क्लास 11th में आपको बोला जाता था कि सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बना के दीजिए? क्या कभी आपने ये चीज सोची कि ये अपन बना जो रहे हैं ये इसका क्या यूज आने वाला है? क्यों बना रहे हैं सर ट्रेडिंग अकाउंट, क्यों बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्यों बना रहे हैं हम बैलेंस शीट? इसका क्या यूज आने वाला है? इसके कौन यूजर्स होने वाले हैं और इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे? वो कभी सोचा है कि सर कंपनी की बैलेंस शीट जहां पे असेट्स और लायबिलिटी आपकी हमेशा इक्वल रहती है और जहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में आप निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप निकालते थे नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, तो मुझे सोच के बताइएगा ये आपने जो निकाला है ये आपने तो कैसे निकाला सर? क्वेश्चन सॉल्व करके या आपके पास जो इंफॉर्मेशन थी वहां से आपने निकाला? लेकिन आपने कभी सोचा है सर इनका यूज क्या आने वाला है, ये क्या काम करेगा, ये कंपनी की क्या इंफॉर्मेशन देगा, क्या बताएगा कंपनी के बारे में? अच्छा आपने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा है कि सर इधर आपने पढ़ा था असेट्स आता है, इधर आती है लायबिलिटीज, और सर आपको ये भी पता है कि असेट्स में दो टाइप की आती है, दैट इज नॉन करेंट असेट्स और दूसरा आता है करेंट असेट्स। लायबिलिटी में सर दो चीजें आती है, एक तो आता है कैपिटल, ठीक है इसको अपन बोल सकते हैं इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और दूसरा आता है सर लायबिलिटीज। लायबिलिटी में भी हमने दो चीज पढ़ी थी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। कोई भी कंपनी की सर बैलेंस शीट उठा के देख लेंगे ना हम, तो हमको सिर्फ ये चीजें नजर आएगी। हर कंपनी के बैलेंस शीट, हर कंपनी के फाइनल अकाउंट्स को अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज नजर आने वाली है। लेकिन मुझे सोच के बताना सर, वो आपके सामने अगर जो प्रस्तुत कर रहे हैं अपने फाइनल अकाउंट्स को, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो कंपनी आपके सामने लेके आ रही है,
उसको आप क्या करोगे, उसको आप क्या यूज करोगे, उससे आप क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे, तो वो अपन कहां पढ़ने वाले सर? रेशियो एनालिसिस में, कि सर जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो बैलेंस शीट है, इसको हम कैसे एनालाइज करें, कैसे इंटरप्रेट करें, बैलेंस शीट को कैसे समझे कंपनी की। अच्छा मुझे सोच के बताना, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे हैं जिनको पता है कि एक कंसेप्ट के ऊपर दैट इज इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, हर कोई यह सोचता है कि हम एक काम करेंगे, हम शेयर मार्केट में उतरते हैं और वहां से पैसा कमाने की टेक्निक चालू करते हैं। अच्छा शेयर मार्केट में कितनी सारी कंपनीज लिस्टेड है और उन कंपनीज के अंदर में से आपको किन कंपनी में पैसा लगाना है वो आप कैसे जज करोगे? कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है या फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। क्या कंपनी की कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या कंपनी लॉस में जा रही है, आपको ये सब चीज चेक करने के बाद में आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे? तो मुझे बताओ उसके लिए अपने को क्या चीज पढ़नी जरूरी है सर? रेशियो एनालिसिस। अच्छा सबसे पहले हम ये जानेंगे सर कि रेशियो एनालिसिस के यूजर्स कौन कौन होते हैं, ये रेशियो एनालिसिस किस किस के काम में आने वाला है। सबसे पहले हम बात करें सर, जो हमने अभी बोला आपको, दैट इज इन्वेस्टर्स। कोई भी बंदा किसी भी कंपनी में पैसा लगाने के पहले देखेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है या स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के ऊपर कितना लोन चल रहा है, कंपनी के ऊपर कितना लोन नहीं चल रहा है, कंपनी ने कितने लोगों को लोन दे रखा है, कंपनी की करंट असेट्स क्या है, कंपनी की फिक्स्ड असेट्स क्या है, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ये आप कहां से पता करोगे सर? आप कंपनी की क्या चेक करोगे? रेशियो। आपने कंपनी का अगर रेशियो देख लिया, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर लिया, तो सर आप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर कि सर आप कंपनी की क्या चीज चेक करो, रेशियो था चेक करिए बिफोर इन्वेस्टमेंट। सेकंड, ये किसके काम आने वाला है? लेंडर्स, लेंडर जो लोगों ने कंपनी को पैसा दे रखा है ना सर, जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो कंपनी को पैसा देते हैं, वो देने के पहले एक बार ये देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अच्छा मुझे सोच के बताना, अगर आज मेरे पास 1000 रुपए जेब में है, समझना मेरे पास कैश कितना पड़ा है सर, ओनली 1000 रुपीज, और मेरे को लोगों को देना है, मेरी लायबिलिटी जो है वो है समझिएगा सर 2000, और मेरे पास तो समझिएगा कि मेरे को मिलने वाला है, मेरे जो डेटर है मेरे को उनसे कितना मिलने वाला है, 700। तो मुझे सोच के बताना कोई भी मनी लेंडर आपको कंपनी को पैसा देगा या नहीं देगा? आपके पास इन टोटल अगर 1700 है, उसमें से अगर आपको 2000 देने हैं, तो सर कोई भी आपको पैसा देने के लिए एग्री नहीं होगा। तो उसके लिए अपने को क्या चीज देखनी पड़ेगी? लेंडर्स क्या चीज देखते हैं? सबसे पहले कंपनी के रेशियो को देखते हैं, कंपनी की सॉल्वेंसी को चेक करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, उसी के लिए वो क्या करते हैं, रेशियो का एनालिसिस करते हैं पैसा देने के पहले। तीसरा जो सर ये यूज आने वाला है वो है सर कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयज के लिए सर क्या क्यों रेशियो काम का है? एम्प्लॉयज के लिए रेशियो इसीलिए काम का है क्योंकि सर अगर आप अपने एम्प्लॉयज को बताएंगे कि भैया आपकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है, आपकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उनकी अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी है, उनकी अगर सैलरी अच्छी है और वो रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर पा रहे हैं, तो आपके एम्प्लॉयज बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट होंगे, उनको भी लगेगा कि अगर हम भी हमारे उतनी एफिशिएंसी से वर्क करें, हम भी उसी एफिशिएंसी से वर्क करें, तो हम भी कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ, रेवेन्यू का कंपनी की ग्रोथ होगी, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और साथ ही साथ में हमारी सैलरी भी बढ़ने वाली है। तो ये किसके काम का है? तीसरा एम्प्लॉयज के काम के लिए। चौथा गवर्नमेंट,
अच्छा गवर्नमेंट के क्या काम आने वाला है सर? कंपनी के ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी अगर बन रही है, कोई भी पेनल्टी की लायबिलिटी अगर कोई बन रही है, तो कंपनी के गवर्नमेंट क्या चेक करेगा? कंपनी का रेशियो देखेगा। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि भैया अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, कंपनी के पास आज पैसा नहीं है, ठीक है, और कंपनी आश्वासन दिला रही है गवर्नमेंट को कि भैया हम फ्यूचर में आपको प्रीपे कर देंगे, तो गवर्नमेंट क्या चीज देखेगा? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखेगी, कंपनी इसके रेशियो को चेक करेगा। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि भैया हाँ ये फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएगा, या थोड़े टाइम बाद में ये इसकी इसके पास इतना अच्छा असेट्स पड़ा हुआ है कि ये जो भी पेनल्टी है या फिर टैक्स की लायबिलिटी है वो रीपे कर देगा, तो गवर्नमेंट के लिए भी क्या है, ये यूजफुल है। तो गवर्नमेंट क्या चीज चेक करके बताएगा? रेशियो देखेगा कंपनी का, भैया कंपनी का रेशियो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट जो सर ये काम के आने वाला है वो है सर क्रेडिटर्स। सर ये क्रेडिटर्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो कंपनी का क्या चेक करे? रेशियो। आज अगर कोई कंपनी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचती है तो उसके लिए कंपनी को क्या चीज रिक्वायरमेंट है? रॉ मटेरियल्स की। अच्छा रॉ मटेरियल को कंपनी क्या करेगी? प्रोडक्शन में डालेगी, तो क्या निकलेगा सर फाइनल आउटपुट? फिनिश गुड्स। अच्छा ये फिनिश गुड्स को कंपनी सेल करेगी तो किसको बेचेगी सर कंपनी? कस्टमर्स को। और कस्टमर से क्या आएगा सर? कैश आएगा। अच्छा मुझे चीज बताना, कंपनी को रॉ मटेरियल की जरूरत थी प्रोडक्शन के लिए, जिससे कंपनी ने फिनिश गुड्स बनाया वो कंपनी ने कस्टमर को भेजा जिससे कंपनी के पास कैश आया, लेकिन जो रॉ मटेरियल खरीदना था परचेज करना था उसके पास कंपनी के लिए कैश नहीं था। जो रॉ मटेरियल कंपनी को खरीदना है प्रोडक्शन के लिए, कंपनी के पास उसका कैश नहीं है, तो कंपनी किसके पास जाएगी? जाएगी सर सप्लायर के पास, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स या फिर हम बोलते हैं ट्रेड पेबल। कंपनी जाएगी सर सप्लायर के पास कि भैया हमको थोड़ा सा लोन चाहिए, आप लोन मतलब हम आपसे क्या लेने वाले सर? रॉ मटेरियल लेने वाले, हम आपसे परचेस करने वाले रॉ मटेरियल, बट हम आपसे लेंगे सर किस पे? क्रेडिट, क्योंकि सर हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास जैसे ही कैश आएगा हम आपको रीपे कर देंगे। लेकिन सप्लायर को भी तो लगेगा, भैया आज रॉ मटेरियल ले जा रहा है, कब ये प्रोडक्शन करेगा, कब इसका फिनिश गुड्स बनेगा, कब ये कस्टमर को बेचेगा, और कब कस्टमर लाके इनको पेमेंट देगा, और कब ये लाके मुझे पेमेंट देगा, इसके लिए क्या चीज चेक करेगा? कंपनी का रेशियो देखेगा, सर ये फाइनेंशियली स्टेबल है नहीं है, इनके पास क्या उतना पैसा है या इतना पैसा आने वाला है या नहीं, वो चीज कौन चेक करेगा सर? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या चीज चेक करना? कंपनी के रेशियोस को चेक करना। किसके लिए इंपॉर्टेंट है सर? क्रेडिटर्स के लिए। तो मुझे अब सोच के बताना कि जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेशियो एनालिसिस, अब आपके माइंड में एक चीज फ्रेम कर लीजिए, माइंड को आप एक सेट कर लीजिए कि ये टॉपिक जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इतने टाइम के बाद में अगर मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं और इतने टाइम के बाद में अगर मेरे को शुरुआत करनी है फिर से लेक्चर्स की, मेरे को आपको फिर से कुछ नई चीजें के सिखानी है, तो आप सोचना मैंने सबसे पहले ये टॉपिक क्यों लिया होगा, क्योंकि सर इस टॉपिक में बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें आपका माइंड बहुत अच्छे से वर्क करेगा, और यकीन मानिए एक बार आपने ये चीज समझ ली तो आप लाइफ में कभी भी पीछे नहीं जाओगे। आप कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के पढ़ लेना और उस टाइम आप मेरे को याद करोगे नहीं नवीन सर ने बोला था कि हाँ इस चीज को यहाँ पे चेक करना है कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले, ठीक है। तो अपन चालू करते हैं अपने इस टॉपिक के अंदर की बातें चालू करेंगे। तो अभी मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि रेशियोज अपन कितने टाइप के पढ़ेंगे, कितने टाइप के अपने पास रेशियोज है। बेसिकली रेशियोज मेन कैटेगरी होती है रेशियोज की चार, देयर आर फोर मेन कैटेगरीज ऑफ रेशियो एनालिसिस। टाइप्स ऑफ रेशियोज की बात करें तो कितने टॉपिक्स हैं सर मेन? चार रेशियोज अपने को है, सिर्फ चार रेशियोज के बारे में अपने को जानना है कि ये चार रेशियोज क्या होते हैं, ये चार रेशियो के अंदर कुछ बातें होंगी अपने को वो चीज समझनी है। ये चारों के बारे में अगर आपने पढ़ लिया तो आपका टॉपिक इधर ही खत्म है।
देखिएगा सर चार टॉपिक्स में क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपका आता है सर लिक्विडिटी रेशियोस। क्या पढ़ेंगे सर? लिक्विडिटी रेशियो। इसको अपन एक और वर्ड बोल सकते दैट इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोस। क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी मतलब क्या हो गया? कंपनी का कैश बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बैंक बैलेंस, डेटर्स। और बात करें पेमेंट की साइड की तो करंट लायबिलिटी की जितनी भी चीजें आती है वो किसमें आएगा सर? कंपनी की लिक्विडिटी रेशियो में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे सर वो है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी बोलो या फिर इसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बोलो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या फिर इसको आप बोल सकते हो सर लिवरेज रेशियो। क्या है सर ये? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और उसको क्या बोल सकते हैं? लिवरेज रेशियो। अच्छा यहां पे तो अपन पढ़ रहे थे शॉर्ट टर्म के बारे में, यहां पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लॉन्ग टर्म के बारे में। थर्ड जो हम पढ़ेंगे सर दैट इज एक्टिविटी रेशियो। इसका एक और नाम है सर टर्नओवर रेशियो। लिक्विडिटी सॉरी एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो। अच्छा लॉन्ग टर्म के अंदर अपन इसको बाइफरकेट करते हैं दो टाइप में, दो कैटेगरी में, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो और सेकंड है सर कवरेज रेशियो। बहुत ही इजी टॉपिक्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में दो कैटेगरी है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो और कवरेज रेशियो और एक्टिविटी रेशियो आ गए। इसको अपन क्या बोलेंगे सर? टर्नओवर रेशियो। इसको आप एक और चीज बोल सकते हो सर एफिशिएंसी रेशियो या फिर परफॉर्मेंस रेशियो। लास्ट जो है वो है सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्या है सर लास्ट? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को भी अपन चार कैटेगरी में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे रिलेटेड टू सेल्स, जो किसके रिलेटेड होगा? प्रॉफिट सेल्स से रिलेटेड। सिंपल मैं आपको बता दूं इसमें तीन टाइप के आएंगे, आपको जो पता होगा दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। इनसे रिलेटेड जो सेल्स से रिलेटेड है वो क्या आएंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। सेकंड आएगा रिटर्न टू ओवरऑल, रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब समझ लीजिए कंपनी की इक्विटी, कंपनी की इक्विटी के साइड कंपनी में कितने लोगों ने, कंपनी में आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपको कितना रिटर्न मिल रहा है वो अपन किसमें पढ़ेंगे? रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। थर्ड जो आएगा वो है सर रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस फॉर फ्रॉम रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा यहां पे ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी जरूरी है कौन सा रेशियो सर? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सिंपल इसमें आपको बताओ, आपको थोड़ा बहुत ध्यान दिलाऊंगा, आपने पढ़ा होगा सर अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, याद आ रहा है? तो
तो ये ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, जहां पे कौन आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ जाएंगे, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा। वो कंपनी के रेशियो के बारे में सर्च करेंगे, वो कहां पे जाके सर्च करेंगे सर, कोई भी कंपनी के जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स है, जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, वो कौन से रेशियो को देखेंगे सर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, यहाँ पे दैट इज अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, और भी बहुत कुछ है, हम इसके अंदर जाइए पढ़ने वाले हैं। और जो लास्ट है दैट इज रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशन या फिर इन्वेस्टर्स, ठीक है। रेशियो से चार टाइप के आपको पढ़ने हैं, दैट इज कौन कौन से हो गए, लिक्विडिटी रेशियो, लिवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हो सकता है आपके एमसीक्यू में सिंपल टू मार्क्स की क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द मेजर फोर कैटेगरीज ऑफ रेशियोज, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो दैट इज लिवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एक बार आप इस पूरे चार्ट को बना दीजिए, अपन इंडिविजुअल हर टॉपिक के बारे में जाएंगे, अंदर इंडेप्थ पढ़ने वाले हैं। एक बार आप इसको लिख लीजिए, तो सर अपने जो रेशियो एनालिसिस था उसके अंदर जो चार कैटेगरी थी उसमें सर आज अपन बात करेंगे फर्स्ट कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम था सर लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है सर द टर्म लिक्विडिटी या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब क्या है, यह बताता है कि कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रीपे इट्स शॉर्ट टर्म डेट्स। जो शॉर्ट टर्म डेट्स है, जो मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कंपनी ने लोन ले रखा है, या फिर क्रेडिटर्स की बात करें, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कंपनी को क्रेडिट दे रही है, तो कंपनी की क्या पता चलेगी इसमें, इसमें एबिलिटी पता चलेगी कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को रिपेमेंट कर पाने में काबिलियत है या नहीं है। तो मतलब आप मान के चलिएगा आपको इसमें सिर्फ दो कैटेगरी के बारे में पढ़ना है, दैट इज करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में जो मेजर टॉपिक आता है दैट इज करंट असेट्स, और लायबिलिटी में जो करंट लायबिलिटी है, ये दोनों कहां यूज आने वाले सर, लिक्विडिटी रेशियो में, क्योंकि करंट असेट्स भी हमको यही बोलता है कि सर कौन एक साल के अंदर कंपनी के पास जो पैसा आने वाला है उसको बोलते हैं करंट असेट्स। और करंट लायबिलिटी मीन्स एक साल में कंपनी को किस किस को पेमेंट करना है, वो होती है करंट लायबिलिटी। एक साल से ज्यादा जो भी होते हैं वो किस में आ जाएंगे सर, नॉन करंट में। तो लिक्विडिटी रेशियो में किस क्या पढ़ना, किस क्या पढ़ना लिक्विडिटी रेशियो में, दैट इज आपको देखना है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म कंपनी जो शॉर्ट टर्म की लायबिलिटी है, क्या कंपनी उसको रीपे कर पा रही है या नहीं। अच्छा मुझे आप सोच के बताइएगा, ये लिक्विडिटी रेशियो जो है वो किसके काम में आने वाला है, सबसे पहले क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काम का है, जो शॉर्ट टर्म मनी लेंडर्स है, जो मनी लेंडर्स है जो कंपनी को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोन दे रहे हैं, ये उनके भी काम का है, ठीक है। अच्छा लिक्विडिटी रेशियो में सर कौन से रेशियोज पढ़ने वाले हैं, लिक्विडिटी रेशियोज में हम सर चार टाइप के रेशियो पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे सर करेंट रेशियो, सेकंड पढ़ेंगे क्विक रेशियो, या इसको बोल सकते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। सर जूनियर क्लासेस में लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमने ये दो चीजें ही पढ़ी थी, दैट इज करंट रेशियो और क्विक रेशियो। अब अपन क्या एक्स्ट्रा है ऐसा जो पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है सर दैट इज कैश रेशियो, या फिर इसको एक वर्ड बोल सकते हैं एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। कैश करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो और फोर्थ है बेसिक डिफेंस इंटरवल, दैट
टेस्ट इज बेसिक डिफेंस इंटरवल, या फिर इसको बोल सकते हैं इंटरवल मेजर रेशियो, इंटरवल मेजर रेशियो। और जो लास्ट है, जो आपने वर्ड सुना हुआ है हमेशा, जिसको बोलते हैं अपन नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है सर, बहुत ही इजी पार्ट है अपना। लिक्विडिटी रेशियो सबसे इजी पार्ट आता है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, बेसिक डिफेंस इंटरवल, और लास्ट क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल। एक बार आप ये चार्ट बना लीजिए, शुरू करते जाएंगे अपना सीक्वेंस वाइज अपन इसको शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी साथ साथ में करते जाएंगे। एक बार आप इसको लिख लीजिए। सबसे पहला बात करेंगे सर अपन, दैट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या बोलता है कि सर कंपनी की कितनी करंट असेट्स है, कितनी और कितनी करंट लायबिलिटी है, कंपनी की कितनी करंट असेट्स है, करंट असेट्स है और कितनी करंट लायबिलिटी है। अच्छा मुझे सोच के बताना, करंट असेट्स मतलब क्या होता है? ऐसी असेट्स जिसका पैसा आपको रिकवर हो जाएगा विद इन वन ईयर। और करंट लायबिलिटी क्या कहता है कि ऐसी लायबिलिटी जिसका रिपेमेंट कितने में हो जाना चाहिए, वन ईयर में। मान के चलिए आपके पास करंट असेट्स पड़ा है 10,000 का और करंट लायबिलिटी है मान के चलिए 5,000 रुपीज की, तो करंट रेशियो क्या बोलेगा, दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000, दैट इज 2:1। अच्छा मैं इसका इंटरप्रिटेशन करके बताऊं तो ये क्या बोलेगा, कंपनी के पास इतनी करंट असेट्स है कि कंपनी कितनी करंट लायबिलिटी को रिपे कर पाए। मेरे एग्जांपल में मैं बोलूंगा कि कंपनी के पास अपनी जितनी भी करंट लायबिलिटी है उसका 2 गुना उसके पास क्या पड़ा है सर, करंट असेट्स पड़ा है। कंपनी की कितनी करंट लायबिलिटी है, कंपनी की कितनी जितनी करंट लायबिलिटी है ना, उसका 2 गुना कंपनी के पास क्या है, करंट असेट्स। जितनी करंट लायबिलिटी है उसका कितना टाइम्स आपके पास क्या है, करंट असेट्स, वो क्या बताएगा, करंट रेशियो। अच्छा इंडस्ट्री एक्सेप्टेबल रेशियो, जो एक्सेप्टेबल रेशियो आता है, एक्सेप्टेबल रेशियो आता है वो आता है सर 2:1। मतलब ये होना चाहिए कि सर आपकी करंट लायबिलिटीज है, जो आपकी करंट लायबिलिटी है ना वो 2 गुना क्या होनी चाहिए, उसकी 2 गुना क्या होना चाहिए आपके पास, करंट असेट्स रहना चाहिए। तो ये क्या बताएगा, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बताएगा, सॉल्वेंसी पोजीशन बताएगा। नेक्स्ट जो रेशियो है सेकंड वन, उसका नाम है सर क्विक रेशियो, जिसको हम बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो, इसका सर जो फॉर्मूला है वो है क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अच्छा यहां पे अपन बात कर रहे थे करंट असेट्स के बारे में, और सर यहां पे आप बात कर रहे हो क्विक असेट्स के बारे में, ये दोनों क्या है, करंट लायबिलिटी। तो हमको पता है सर करंट लायबिलिटी क्या होती है। अच्छा जिसको नहीं पता है मैं आज आपको फिर से बताने वाला हूं, दैट इज करंट असेट्स क्या है और करंट लायबिलिटी क्या है। करंट असेट्स में हमारी क्या क्या चीजें आती है सर, सबसे पहला आता है दैट इज हमारा स्टॉक। क्या आएगा, हमारा स्टॉक, जो बच्चों के मुंह में याद रहता है, दैट इज कैश और बैंक बैलेंस, वो किसमें आएगा सर,
करंट एसेट्स में। थर्ड आता है सर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फोर्थ आता है ट्रेड रिसीवेबल, दैट इज अपने जो कस्टमर जो उधार के कस्टमर थे, जो प्री पॉकेट के कस्टमर होते हैं ना, तो उधार में ले जाते हैं, वो होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल के साथ में एक और चीज आ सकती है, दैट इज बिल्स रिसीवेबल। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद में आता है अक्रूड इनकम। अगर बात करें करंट लायबिलिटी की तो उसमें सबसे पहले आएगा ट्रेड पेबल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल या फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स। अच्छा, रिसीवेबल को अपन क्या बोल सकते हैं सर? सन्ड्री डेटर्स। करंट लायबिलिटी में एक और आता है, दैट इज बिल्स पेबल। एक चीज आता है सर शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। आपने शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसा उधार ले रखा है। अच्छा, और लायबिलिटी एसेट्स में क्या जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने शॉर्ट टर्म के लिए किसी को लोन या फिर किसी को एडवांस दे रखा है, तो किसमें आएगा? करंट एसेट्स में। इसमें हम देखने को मिलेगा आपने को, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट मिलेगा अनअर्न इनकम, या फिर लास्ट जो है अदर करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स की डेफिनेशन के अंदर ये सब चीजें आती है, और करंट लायबिलिटी के अंदर हमारी ये सब चीजें आएगी। सर हमको ये तो पता चल गया कि करंट असेट्स क्या है और करंट लायबिलिटी क्या है, पहले हमको ये तो बताओ कि सर ये क्विक असेट्स क्या है? क्विक असेट्स क्या है सर? क्विक असेट्स मतलब क्या है आपका? क्विक असेट्स मतलब जितनी भी करंट असेट्स है वो सारी आपकी क्विक असेट्स है। नहीं, जितनी भी करंट असेट्स है उसमें से अगर आप अपना स्टॉक हटा दो, दैट इज इन्वेंटरी हटा दो, और उसमें से एक और चीज हटा दो, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो आपके क्या हो जाएगा सर? क्विक असेट्स। मतलब तो क्विक असेट्स की डेफिनेशन के अंदर अपने क्या क्या चीजें नहीं आएगी? इन्वेंटरी नहीं आएगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आएगा। अदरवाइज सब चीज क्या है आपकी? क्विक असेट्स। बोलो क्लियर है? यहां पे करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। थर्ड जो चीज आएगी जिसको अपन बोलेंगे, दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल क्या बोलता है कि सर आपका जो करंट असेट्स है और आपकी जो करंट लायबिलिटी है, आपकी जो करंट लायबिलिटी है और आपका जो करंट असेट्स है, आपकी करंट असेट्स कितनी ज्यादा है करंट लायबिलिटी से? पैसे के टर्म्स में बात करेंगे, रेशियो के टर्म में बात नहीं करेंगे। आपकी कितनी एक्सेस है करंट असेट्स करंट लायबिलिटी से? मतलब सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कितनी करंट असेट्स एक्स्ट्रा है करंट लायबिलिटी से, वो क्या चीज बताएगा? नेट वर्किंग कैपिटल। अगर नेट वर्किंग कैपिटल किसके काम में आने वाला है? ये बैंक्स के काम में आता है। बैंक जो कंपनी को लोन देती है ना, शॉर्ट टर्म लोन जिसको हम बोलते हैं कैश क्रेडिट, सीसी, जो बैंक प्रोवाइड करती है, तो बैंक किसके ऊपर ध्यान रखती है? दैट इज कंपनी की नेट वर्किंग कैपिटल कितनी आ रही है। अगर करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी है और पॉजिटिव में अगर आपका ऑप्शन आया, मतलब आपकी करंट असेट्स ज्यादा है करंट लायबिलिटी से, ये अगर चीज आ रही है, तो बैंक आपको 101% लोन देगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बाद में देगा। बट करंट असेट्स आपकी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए किससे? करंट लायबिलिटी से। ठीक है, एक बार आप इसको लिखिए। अगले दो रेशियो की हम बात करते हैं और उसके साथ में हम करेंगे प्रैक्टिकल सम्स।
अच्छा फोर्थ रेशियो जो आपका है दैट इज कैश रेशियो, कैश रेशियो या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। कैश रेशियो या फिर दूसरा क्या नाम है उसका, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। सर हमने करंट रेशियो आपने बताया वो पढ़ा हमने, बट ये सर कैश रेशियो या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है ये बताता है कि सर कंपनी की अभी एब्सोल्यूट लिक्विडिटी क्या है। एब्सोल्यूट मतलब अभी अगर सारे के सारे करंट लायबिलिटी के लोग आ जाए, अभी की अपनी कंपनी को बोला जाए कि सारा का सारा रीपेमेंट करना है करंट लायबिलिटी का, तो आप अभी क्या रीपे करने की कैपेबल हो। अच्छा करंट एसेट्स में आपने बहुत सारी बात पढ़ी थी, ट्रेड रिसीवेबल के बारे में भी पढ़ा आपने, इन्वेंट्री के बारे में भी पढ़ा। अच्छा क्विक असेट्स के अंदर अपन ने बोला कि सर क्विक असेट्स में आपने इन्वेंट्री को हटाया, उसका क्यों हटाया, क्योंकि सर इन्वेंट्री ऐसी चीज है जो ऐसा पॉसिबल नहीं कि आज के आज ही आपको वो बिक जाएगा माल। अच्छा अगर आज ट्राई करोगे आज के आज ही सारी इन्वेंट्री को खत्म करेगा, आप चाहोगे कि स्टॉक आज का आज क्लियर हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपको जो उसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस है उससे कम में आपको बेचना पड़ जाए। तो इसीलिए क्विक असेट्स के अंदर अपन स्टॉक को लेते ही हैं। और हमने एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो एक्सेप्टेबल क्विक रेशियो है वो होता है बस सिर्फ 1:1, मतलब वो बोलता है भाई आपकी क्विक एसेट जितनी है ना उतनी करंट लाइबिलिटी हो तो चलेगा, जितनी आपकी क्विक एसेट्स है अगर उतनी ही सेम करंट लाइबिलिटी हो तो चलेगा, उससे ज्यादा चलेगा उससे कम मत लाने देना। मतलब कंपनी ट्राई करती है क्विक एसेट्स और क्विक एसेट्स ज्यादा ट्राई करती है और करंट लाइबिलिटी कम करने का ट्राई करती है। लेकिन सर ये जो कैश रेशियो है इसके अंदर क्या चीज आएगी, मैं बोल देता हूं सर इसका जो फॉर्मूला है ना उसके नीचे तो एक ही वर्ड आएगा, दैट इज करंट लायबिलिटी। लेकिन सर यहां पे क्या चीज आने वाली है, यहां पे सर एक ही चीज आएगी दैट इज कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी। सिंपल आप चीज समझना, आज कंपनी के पास जितना कैश का बैलेंस पड़ा है वो तो एब्सोल्यूट लिक्विड टर्म्स में है, मतलब आप उसको अभी के भी कहीं भी यूज कर सकते हो, और कंपनी के पास जितनी मार्केट की सिक्योरिटीज पड़ी है शेयर्स वगैरह और डिबेंचर्स वगैरह कुछ भी पड़ा है, शेयर्स और सिक्योरिटीज कुछ भी पड़ी है, तो कंपनी के पास पॉसिबल है कंपनी आज के आज चाहे तो उसको मार्केट में इजीली ट्रेड करके बेच सकती है, मार्केट में इजीली निकाल सकती है, और कंपनी के पास क्या जाएगा भैया कैश आ सकता है। तो ये रेशियो यही बताता है कि सर एब्सोल्यूट लिक्विडिटी की पोजिशन क्या है, दैट इज आपके पास कितना कैश और बैंक बैलेंस है और कितना मार्केटेबल सिक्योरिटीज है और उसके अगेंस्ट में आपने कितनी करंट लायबिलिटी खड़ी कर रखी है। अच्छा ये भी है ना मोर देन वन एक्सेप्टेबल है, मतलब 1:1 एक्सेप्टेबल है, बराबर हो चलेगा, इससे ज्यादा हो अच्छा है इससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छा आप ये चीज सोचना, आपने जब जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा दैट इज आपने क्विक रेशियो तक तो पढ़ लिया, सर ये आपको पढ़ने की जरूरत क्यों है कैश रेशियो, आप सोच के बताना। कंपनी की जो करंट एसेट्स होती है ना, अगर कंपनी ट्राई करती है कि सारा का सारा कैश का स्टॉक लेके आ गई, कंपनी ने सारा का सारा स्टॉक भर लिया, या फिर कंपनी ने स्टॉक भरने के बाद में सारे का सारा माल आप कस्टमर को बेच दिया और वो भी उधार में बेच दिया, तो कंपनी के पास क्या चीज रहेगी, सिर्फ करंट एसेट्स में क्या चीज दिखेगा, कंपनी की कितना डेटर है और कंपनी की कितना स्टॉक पड़ा है। क्या मुझे बताओ आज अगर आप डेटर को फोन करके बोलोगे भैया अभी के अभी पेमेंट लाके दे, कोई डेटर ऐसा है कोई कस्टमर ऐसा है जो अभी के अभी पेमेंट लाके देगा आपको, नहीं लाके देगा। तो आज के आज अगर कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अगर वीक है, कंपनी को आज देखना है कि इसकी कितनी लिक्विडिटी पोजीशन है, तो कंपनी क्या मेंटेन करके रखती है, कैश बैलेंस मेंटेन करके रखेगी, और कंपनी क्या देखेगी अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितनी है। मतलब ये मान के चलिए ये एक ऐसी चीज है, ये वैक्सीन के रूप में आपकी काम आएगी, समझना ये समझना, कोविड में जो आपके वैक्सीन लगी ना वैसी ही वो चीज है, ये कंपनी के लिए वो चीज है जो वैक्सीन का वर्क करेगी, दैट इज कंपनी के पास कितना कैश और बैंक बैलेंस पड़ा और कंपनी की कितनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। आज इन सबको अगर बेच दें, इसको अगर बेच दें तो कंपनी के पास कैश आ जाएगा, और इन सब पैसों से कंपनी किसका रिपेमेंट कर देगी, करंट लायबिलिटी का। नेक्स्ट जो आता है सर
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज बेसिक डिफेंस इंटरवेंशन, बेसिक डिफेंस इंटरवेल। अच्छा बेसिक डिफेंस इंटरवेल, इस टॉपिक को मैं समझाऊं आपको एक सिंपल तरीके से, समझना। आज आपके पास कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस पढ़ाई समझ लीजिए 10,000 रुपीज, कितना है सर 10,000 रुपीज है। कंपनी के पास रिसीवेबल है 5,000 रुपए, कंपनी के पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो समझ लीजिए 7,000 रुपए। मतलब कंपनी के करंट एसेट्स में आपको ये तीनों चीजें देखने को मिल रही है कि कंपनी के पास अभी करंट कैश कितना है 10,000 है, कितने रिसीवेबल है उसके 5,000 है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितनी होल्ड करेंगे 7,000। मतलब इन टोटल कंपनी के पास आज लिक्विडिटी देखा जाए तो 22,000 का कंपनी के पास क्या है लिक्विड पोजीशन है। इन्वेंट्री इनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं इन तीनों चीजों की बात कर रहा हूं, कैश बैंक बैंक बैलेंस, कंपनी के कितने रिसीवेबल है ट्रेड रिसीवेबल्स, और कंपनी की कितनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, कितने कंपनी के शेयर्स होल्ड करेंगे हैं, और सॉरी किस वैल्यू के कंपनी के शेयर्स होल्ड करेंगे 7,000 के, तो कंपनी का आज का लिक्विड का पोजीशन कितना है 22,000। और कंपनी बता रहा है कि मेरे डेली का खर्चा, मेरे डेली के ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब कंपनी के एक दिन का कैश का खर्चा मान के चलिए अगर 1,000 रुपीज पर डे है। मतलब कंपनी बोल रही है, कंपनी चाहे काम करो चाहे मत करो, कंपनी के रोज का कितना रुपए का खर्चा होगा, 1,000 रुपए का कैश का खर्चा फिक्स है। उसमें आप ये मान के चलिए वेजेस मान लीजिए या फिर चाय पानी का खर्चा मान लीजिए, कितना है डेली का 1,000 रुपए का खर्चा है। तो अब आप मुझे सोच के बताना, आज अगर कंपनी को नोटिस आता है, कंपनी अगर बंद हो जाती है समझिएगा, या फिर कुछ लॉकडाउन वाली जैसे सिचुएशन आती है, तो मुझे सोच के बताना, या फिर सोचिए कि कंपनी को सारा वर्क बंद करना पड़ जाए तो कंपनी कितने दिन तक जिंदा रह पाएगी। दैट इज 22,000 रुपए टोटल है, डेली के 1,000 रुपए का खर्चा है, तो कंपनी कितने दिन तक काम चला पाएगी अपना 22 डेज। क्या बोल रहा है ये कि कंपनी के पास जितनी लिक्विडिटी है और जितना डेली का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो बताएगा कंपनी कितने दिन तक जिंदा रह पाएगी, कितने दिन तक अपना लिक्विड का काम चला पाएगी बिना किसी से उधार मांगे, बिना किसी से उधार मांगे कितने दिन तक कंपनी काम चला लेगी अपना 22 डेज तक का काम चला लेगी। बोलिए समझ में आया, तो मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा आपके लिए, दैट इज कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस नेट रिसीवेबल प्लस नेट रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज टोटल डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये क्या बताएगा, बेसिक डिफेंस इंटरवल। अच्छा ये जो बेसिक सॉरी ये जो आपका है डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपका ईयरली ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, ईयरली ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसको डिवाइड कर दोगे या तो 365 डेज, या क्वेश्चन में अगर गिवन हो 360 डेज, व्हिचएवर जो भी वो क्वेश्चन में गिवन है आप उसे डिवाइड कर लोगे, वो क्या पता चल जाएगा सर आपका डेली का ऑपरेटिंग का खर्चा कितना है। बोलिए चीज समझ में आई आपको। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर मैंने 5 टॉपिक पढ़ाया है, फर्स्ट करंट रेशियो, सेकंड क्विक रेशियो, थर्ड हमने पढ़ा था नेट वर्किंग कैपिटल, फोर्थ हमने पढ़ा एब्सोल्यूट रेशियो दैट इज कैश रेशियो, और फिफ्थ हमने पढ़ा बेसिक डिफेंस इंटरवल। ये जनरली आपको कोई भी इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है, बेसिक डिफेंस इंटरवल और कैश रेशियो के बारे में, या फिर शॉर्ट एमसीक्यूज अगर इसके ऊपर बने तो भी बन सकते हैं कि सर बेसिक डिफेंस इंटरवल क्या बोलता है, या अगर आपको शॉर्ट एमसीक्यू के अंदर पूछा जाए तो आपको बता देगा कि कंपनी की ये इतना कैश इतना है, रिसीवेबल इतना है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज इतनी है, और डेली का खर्चा इतना है, तो आपको बताना पड़ेगा कंपनी कितने दिन तक अपना काम चला पाएगी विदाउट एड ऑफ फाइनेंशियल, बाहर के पैसा लाने के पहले कब तक कंपनी काम चला लेगी, या आपको क्या बताएगा बेसिक डिफेंस इंटरवल। ठीक है,
एक बार आप इसको लिखिए। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे करंट रेशियो, क्विक रेशियो, नेटवर्किंग कैपिटल और इन दोनों के रिलेटेड कुछ अपन प्रैक्टिकल सम्स पढ़ेंगे। एक बार आप इसको लिख लीजिए। अच्छा क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है कि आपको क्वेश्चन में गिवन है वर्किंग कैपिटल है 9 लाख, टोटल आपके एसेट्स है 45 लाख की, उसमें से नॉन करंट एसेट्स है आपका 33 लाख। आपको क्या निकालना है सर? करंट रेशियो निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम निकालेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या बोलता है? टोटल करंट एसेट्स में से अगर आप नॉन करंट एसेट्स माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर? करंट एसेट्स दैट इज 45 लाख माइनस 33 लाख, तो कितना आएगा सर? 12 लाख। ये क्या है सर? आपका करंट एसेट्स। और आपको दे रखा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितना है आपके पास? 12 लाख माइनस करंट लायबिलिटी आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 9 लाख। तो करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 9 प्लस 12 दैट इज 21 लाख। तो आपका करंट रेशियो क्या हो जाएगा? दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स आपके पास है 12 लाख का और करंट लायबिलिटी है आपकी 21 लाख की, तो आपका करंट रेशियो कितना आ जाएगा सर? वर्किंग कैपिटल 9 लाख, करंट एसेट्स 12 लाख, करंट एसेट्स सॉरी इधर अपना मिस्टेक हो गया, प्लस माइनस का। करंट लायबिलिटी आपका हो जाएगा सर 3 लाख। ठीक है, तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी दैट इज 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख दैट इज 4:1। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर टू लिखिए। आपको गिवन है सर करंट रेशियो। करंट रेशियो है 2.5:1। आपको गिवन है वर्किंग कैपिटल 60,000 वर्किंग कैपिटल कितना देगा? 60,000। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अच्छा, मैं करंट रेशियो के 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उसके बाद में क्विक रेशियो के पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आप देखिए तो साथ साथ में वर्किंग कैपिटल एक एसेट को भी क्लियर करते जा रहे हैं। अच्छा, आपको करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1, वर्किंग कैपिटल दे दिया और कैलकुलेट क्या करना है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। सबसे पहले अपन बात करें वर्किंग कैपिटल की, तो उसका फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कितना है? 60,000। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलिए। सेकंड आपको दे रखा है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी दैट इज 2.5:1। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा करंट एसेट्स क्या है? दैट इज 2.5 * करंट लायबिलिटी, दैट इज मेरी करंट एसेट्स इक्वल टू 2.5 CL। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा तो करंट एसेट्स क्या आ जाएगा? 2.5 CL माइनस CL इक्वल टू 60,000। तो 1.5 CL इक्वल टू 60,000। तो करंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5, तो कितना आ जाएगा सर? करंट लायबिलिटी कितना आ गया आपका? करंट लायबिलिटी कितना आ गया? 40,000। तो करंट एसेट्स कितना हो जाएगा? 2.5 × 40,000 दैट इज आपका 1 लाख। ठीक है, बोलो क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट एक बार आप इसको लिखिए, क्वेश्चन को साथ साथ में लिखते जाइएगा। अपन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन क्या दे रखा है? आपको गिवन है करंट एसेट्स कंपनी के पास 3 लाख रुपीज, करंट लायबिलिटी है 1 लाख रुपीज। इसके बाद में कंपनी बोलती है कंपनी ने गुड्स परचेज किया कितना रुपीज का सर? 50,000 का क्रेडिट में। तो आपको क्या निकालना है? आपका नया करंट रेशियो। अच्छा, मुझे एक चीज सोच के बताना, कंपनी ने गुड्स परचेज किया है कितने रुपीज का? 50,000 का। किसमें किया है परचेज? क्रेडिट में परचेज किया है। अब इधर सोचना, मैं इधर लिख रहा हूं करंट एसेट्स, इधर लिख रहा हूं करंट लायबिलिटी।
यहां पे सोच के बताना, गुड्स परचेज किया तो आप क्या चीज पड़ेगा सर? स्टॉक पड़ेगा। अच्छा उधार में परचेज किया, उधार में परचेज किया तो क्या चीज पड़ेगी सर? करेंट लायबिलिटी पड़ेगी, दैट इज क्रेडिटर भी पड़ेगा। तो यहां पर मुझे बताना, एक साइड क्रेडिटर भी करंट एसेट बढ़ रहा है, दूसरा क्या बढ़ रहा है? करंट लायबिलिटी भी बढ़ रही है। तो आपको क्या बनना है? नया रेशियो निकालना है, दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इसको अपन बोलेंगे 3 लाख जो ऑलरेडी अपने पास करंट एसेट्स था उसमें कितने का स्टॉक ऐड हो गया? 50,000 का। और ऑलरेडी जो आपकी 1 लाख की करंट लायबिलिटी थी उसमें कितनी और ऐड हो गई? 50,000। तो कितना आएगा सर? 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5। तो आपका जो रेशियो निकल के आएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5, दैट इज 2.33:1। बोलो क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है कंपनी के पास करंट एसेट्स है 6 लाख और कंपनी के पास करंट लायबिलिटी है अभी 4 लाख और कंपनी का करंट रेशियो भी दे रखा है, दैट इज 1.5:1। सीधी बात है, 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। अभी बोला है अकाउंटेंट कंपनी को बोल रहा है कि भैया आप कंपनी का करंट रेशियो मेंटेन करो 2:1, क्योंकि अपना एक्सेप्टेबल 2:1 है। तो यहां पे हम लिखते हैं अकाउंटेंट वॉन्ट्स टू मेंटेन करंट रेशियो, कितना मेंटेन करने की बोल रहा है? 2:1। मतलब आपको यहां पे जो 1.5:1 है उसको बढ़ाने के लिए कितना करना है? 2:1 करना है। लेकिन कैसे मेंटेन करेंगे? बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। सीधी बात है, अगर करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी ऑलरेडी गिवन है 1.5:1, इसको अगर बढ़ाना है 2:1, तो क्या चीज करनी पड़ेगी? या तो करंट लायबिलिटी को कम करो या फिर करंट एसेट्स को बढ़ा दो। दोनों में से कोई एक चीज को, या तो करंट लायबिलिटी कम करनी है या फिर करंट एसेट्स बढ़ाना है। यहाँ पे अकाउंटेंट क्या बोल रहा है? भैया आप कंपनी की करंट लायबिलिटी को रिपेमेंट करो, जिससे आप कंपनी का क्या है करंट रेशियो कितना मेंटेन करना है? 2:1। तो आपको क्या निकालना है कि सर कितने अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी रिपेमेंट करेंगे? अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी टू बी पेड, ये आपको निकालना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। अच्छा सिंपल, अपन पहले चीज बात करें, अपना जो करंट रेशियो है वो क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, दैट इज 6 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। ये तो ऑलरेडी गिवन था 1.5:1। लेकिन 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 कंपनी चाहती है कि इसकी जो करंट लायबिलिटी है ना, इसमें से कुछ ना कुछ तो कम करना चाहती है। अच्छा मुझे सोच के बताना, अगर कंपनी चाहेगी कि इसके क्रेडिटर को रिपेमेंट हो जाए तो यहां से क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ चला जाएगा। अच्छा लायबिलिटी कम होगी तो साथ ही साथ में कंपनी का कैश भी तो कम होगा, तो मुझे बताओ करंट एसेट्स भी तो कम होगा। कंपनी चाह रही है कि कंपनी की करंट लायबिलिटी कम हो जाए। कम कैसे होगी? उनको रिपेमेंट करेंगे, रिपेमेंट जेब से पैसा निकाल के दिया, लेकिन जेब में पैसा भी तो गया तो करंट एसेट्स भी तो जाएगा। लेट सपोज कितना जाएगा, समझ लीजिए यहां से एक्स जाएगा, जितना करंट लायबिलिटी कम होगी उतनी करंट एसेट्स कम हो जाएगी, और ये मेंटेन करने के बाद में कितना रहने कंपनी का? 2:1। सिंपल इक्वेशन हो गया सर, 6 लाख माइनस x = 8 लाख माइनस 2x, ठीक है? तो 8 लाख माइनस 2x = 6 लाख माइनस x, तो यहां पे क्या होगा सर? 2 लाख डिवाइडेड बाय = -x + 2x, तो x कितना होगा सर? 2 लाख। मतलब आपको कितना रिपेमेंट करना है? 2 लाख का रिपेमेंट करोगे तो समझ लीजिए कितना आ जाएगा आपके ऊपर करंट एसेट्स, कितने बचेगी? 4 लाख, और इधर कितना बच जाएगा? 2 लाख। बोलो क्लियर है, ये चीज क्लियर है? ये वाले क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट्स को डाउट हो जाता है कि सर क्या करना चाहिए,
नहीं समझ में आता है। तो अब आपको क्लियर है करंट रेशियो कैसे निकालना है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो ये तो है आपने सारे के सारे फोर क्वेश्चंस करंट रेशियो के ऊपर। इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ उल्टा सीधा इंफॉर्मेशन डाल के आपको उलझेंगे, आपको क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपको उलझना नहीं है। अच्छा कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसे भी बोलेगा ये ट्रेड पेपर है, गिवन होगा ट्रेड पेपर समझ लीजिए 50,000 और गिवन होगा साथ ही साथ में करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी 2,50,000। तो आप मान के चलिएगा आपको इसका कोई लेना देना नहीं है, आपके पास टोटल इंफॉर्मेशन किसकी गिवन है, करंट लायबिलिटी की गिवन है, तो आपको इसका कुछ लेना देना नहीं है। बोलो क्लियर है ये चीज? ठीक है अपन आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ, इक्विटी रेशियो के साथ। एक बार आप इसको लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, यहां पर आया था एक्स की वैल्यू 2 लैक्स, एक बार आप इसको लिख लीजिए, मैं आगे इसके बारे में क्वेश्चन करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, आपको टोटल डेट्स दे रखा है कंपनी का 12 लाख रुपीज, कंपनी के पास टोटल एसेट्स 16 लाख रुपीज का है, फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा 1 लाख का, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे 1 लाख के, कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग से 4 लाख की, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 4 लाख का, कंपनी का स्टॉक दे रखा है आपको 1,90,000 और कंपनी का प्रीपेड दे रखा 10,000। अब आपको क्या निकालना है, कंपनी का करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालना है। अच्छा करंट रेशियो और क्विक रेशियो में अपने को सिर्फ 3 चीजें की रिक्वायरमेंट है, पहला करंट असेट्स, सेकंड क्विक असेट्स और थर्ड इज करंट लायबिलिटी। और आप देखोगे तो तीनों की तीनों चीजें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ना ही आपको इधर करंट असेट्स गिवन है, ना करंट लायबिलिटी गिवन है, ना क्विक असेट्स गिवन है। लेकिन सर इतनी सी इंफॉर्मेशन से अपन सब कुछ निकाल पाएंगे कैसे, जब आपको एक चीज याद होगी दैट इज बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट याद आती है वैसे वैसे लिखते जाइए। कंपनी का टोटल डेट्स दे रखा है 12 लाख का, आगे बढ़िए, टोटल असेट्स मतलब आपकी टोटल असेट्स कंपनी की कितनी गिवन है 16 लाख। अच्छा टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज 16 लाख इक्वल टू 16 लाख। नेक्स्ट कंपनी की असेट्स में 2 कैटेगरी आती है, नॉन करेंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स कितना है 6 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है 1 लाख, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कितना है 1 लाख। ये किसकी कैटेगरी में सर, नॉन करंट असेट्स की, नॉन करंट असेट्स की कैटेगरी में आपने क्या क्या चीजें दे रखी है, फिक्स्ड असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट देखा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यहां पे आता है सर कैपिटल, इधर आता है टोटल डेट, इसमें से नॉन करंट लायबिलिटी और इधर आएगा करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में आपको सबसे पहले दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितनी है 4 लाख, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितना है 4 लाख, मतलब आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये कितना है टोटल 8 लाख। अच्छा टोटल आपको डेट्स कितना दे रखा था कंपनी का, फर्स्ट पॉइंट 12 लाख, टोटल कंपनी का डेट है 12 लाख का और टोटल कंपनी की एसेट 16 लाख की है, तो कंपनी की कैपिटल कितनी होगी सर, बैलेंसिंग फिगर 4 लाख, कंपनी का बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया सर 4 लाख का बैलेंसिंग फिगर आ चुका है। अच्छा अब मुझे बताना कंपनी की करंट लायबिलिटी भी क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर दैट इज 12 लाख में से 8 लाख कितना हो गया 4 लाख। अच्छा टोटल 16 लाख था और नॉन करंट एसेट्स मिला के कितना हो रहा है 6, 7, 8 लाख, 8 लाख हो रहे हैं, तो आपकी करंट एसेट्स की टोटल कितनी हो जाएगी सर 8 लाख। ये भी क्या हो गया सर, बैलेंसिंग फिगर आ गया। लेकिन सर आपको नीचे 2 इंफॉर्मेशन और गिवन है, दैट इज स्टॉक और प्री, स्टॉक अपने को दे रखा है 1,90,000, प्रीपेड आपको दे रखा है 10,000
तो मुझे बताइए कितना हो गया, टू लेग्स। तो मुझे सोच के बताना अब आपका क्या चीज बचेगा सर, दैट इज क्विक एसेट्स, क्योंकि क्विक एसेट्स की डेफिनेशन में स्टॉक और प्रीपेड नहीं आता है, तो कितना हो जाएगा सर बैलेंसिंग फिगर, 6 लाख। ठीक है, अच्छा सब चीज आपके सामने गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, क्विक एसेट्स गिवन है, तो आप निकाल लेंगे करंट रेशियो, दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, दैट इज 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, दैट इज 2:1। और क्विक रेशियो क्या है, दैट इज 6 लाख क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 4 लाख, ये आ जाएगा 1.5:1। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए आपको सिंपल क्या चीज ध्यान रखना है, बैलेंस शीट बनानी है और आपको बैलेंसिंग फिगर के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा साथ साथ में, क्वेश्चन नंबर 6, करंट एसेट्स आपको गिवन है 17 लाख, करंट रेशियो आपको गिवन है 2.5:1, क्विक रेशियो गिवन है 0.95:1। आपको क्या चीज कैलकुलेट करनी है, करंट लायबिलिटी, क्विक असेट्स और थर्ड वन इज इन्वेंटरी, ये तीनों चीज आपको निकालनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको दे रखा है करंट रेशियो, दैट इज करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, 17 लैक्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 2.5:1, तो करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा 17 लैक्स डिवाइडेड बाय 2.5, निकालिए सर कितना आता है 17 लैक्स डिवाइडेड बाय 2.5, ये आएगा सर 6,80,000। मतलब आपने फर्स्ट चीज तो निकाल दी 6,80,000। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्विक रेशियो, दैट इज क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 0.95:1, तो क्विक असेट्स क्या हो जाएगा 0.95 * करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी आपको कितना दे रखा है 6,80,000, तो आपका करंट असेट्स क्विक असेट्स कितना आ गया 6,46,000, तो क्विक असेट्स कितना आ जाएगा 6,46,000। और लास्ट अपने को गिवन निकालना है सर इन्वेंटरी, लास्ट क्या निकालना है इन्वेंटरी, इन्वेंटरी कैसे निकालेंगे, करंट असेट्स माइनस क्विक असेट्स, दैट इज 17 लाख माइनस 6,46,000, दैट इज 10,54,000। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो ये जो 6 क्वेश्चंस अपन ने किए हैं आज के, वो अपन ने किसकी किया सर, लिक्विडिटी रेशियो के। इसके बाहर आपको कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं, अगर इंडिविजुअल अगर कोई भी टॉपिक का अगर रेशियो के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन उल्टी सीधी दे रखी होगी, लेकिन आपको पता है अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है और आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने वाले, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपकी रॉन्ग नहीं हो जाए, डिवाइड को मल्टीप्लाई ना कर दो, मल्टीप्लाई को डिवाइड ना कर दो, ठीक है, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा आज अपन ने जो टॉपिक के बारे में बात करी थी वो थी रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर अपन ने पढ़ा था कि इसके यूजर्स कौन होते हैं, दैट इज इसके यूजर कौन कौन है, क्रेडिटर, लेंडर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट और एम्प्लॉइज। अपन ने पढ़ा था सर रेशियो एनालिसिस के अंदर सर 4 मेन रेशियो होते हैं, दैट इज फर्स्ट नंबर आएगा सर लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड सॉल्वेंसी रेशियो जिसको अपन बोलते हैं लिवरेज रेशियो, थर्ड आएगा एक्टिविटी रेशियो और फोर्थ आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अच्छा लिक्विडिटी रेशियो आज अपन ने कंप्लीट किया है, देखा जाए तो 4 रेशियो में से 1 कंप्लीट हो गया, मतलब आपका 25% कोर्स कवर हो चुका है रेशियो एनालिसिस का। अच्छा लिक्विडिटी रेशियो में अपन ने मेजर 5 चीज पढ़ी है, सबसे पहले क्विक रेशियो, करंट रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, सेकंड अपन ने पढ़ा क्विक रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या है क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, थर्ड अपन ने पढ़ा नेट वर्किंग कैपिटल जिसका फॉर्मूला क्या है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, फोर्थ अपन ने पढ़ा दैट इज कैश रेशियो जिसका फॉर्मूला क्या है कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज
डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और फोर्थ फिफ्थ अपन ने पढ़ा था बेसिक डिफरेंस इंटरवल, वो बोलता है कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस नेट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आपको दिखाएगा कितने दिन का आपका काम चल जाएगा विदाउट आपको मार्केट से लोन लेने के पहले आपके पास कितने दिन का आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। और फिर अपन ने पढ़े सारे प्रैक्टिकल सम्स। तो ये टॉपिक में अगर किसी को भी डाउट आता है लिक्विडिटी रेशियो के अंदर तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मेरे व्हाट्सएप पर मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ये लेक्चर को उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरत है टॉपिक को समझने की, ठीक है। और आने वाले टाइम में अपन बाकी के रेशियोज को कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो कोई भी डाउट है मुझे भेजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।